आज सदन में एक बार फिर नियोजन नीति की गूंज सुनाई दी। वहीं झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन का भी मुद्दा उठा तो विधानसभा के बाहर बीजेपी ने नियोजन नीति को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जबकि सिमरिया विधायक ने कोयला चोरी के मुद्दे पर विधानसभा परिसर में धरना दे दिया है। सदन में एक बार फिर नियोजन नीति की गूंज सुनाई दी। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने 60-40 पर सरकार से स्थिति साफ करने की मांग की। वहीं विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने नियोजन नीति को लेकर प्रदर्शन किया तो सदन में आज विधायक सुदेश महतो ने घोषणा के बाद भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने का मुद्दा उठाया है। क्या 1932 के आधार पर आप नियोजन देंगे, 1936 के आधार पर देंगे, 1942 के आधार पर देंगे, 1985 के आधार पर देंगे, 2000 के आधार पर देंगे या 2023 के आधार पर देंगे? आपको सदन में आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी नियोजन नीति क्या है। आपने जो 60-40 लागू करने की सोच बना करके रखी है, 60 तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी ने 50% देने का काम किया है और 10% 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने देने का काम किया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 40% जिसके लिए यह झारखंड बना, आदिवासी मूलवासी के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उनका अधिकार मारने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। वहीं अवैध खनन और कोयला चोरी के खिलाफ सिमरिया विधायक किशुन दास ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। उन्होंने सत्ता के संरक्षण में कोयला चोरी का आरोप लगाया। 100 ट्रक हाइवा कोयला चोरी किया जा रहा है प्रशासन के संरक्षण में, और जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां हैं वह प्रत्येक दिन 40 से 50 हाइवा कोयला चोरी कर रहे हैं। सदन में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने झारखंड आंदोलनकारियों में वनांचल आंदोलनकारियों को भी शामिल करने की मांग की, साथ ही जेपी आंदोलनकारियों को भी पेंशन देने की मांग की। बीजेपी विधायक की इस मांग पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया। आलमगीर आलम ने कहा कि जेपी आंदोलन का संबंध झारखंड आंदोलन से नहीं था, लेकिन झारखंड और वनांचल आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो भी झारखंड आंदोलन में सहयोग किया है या आगे बढ़ा है, सारे लोग को चिन्हित किया जाएगा। इसीलिए कोई झारखंड और वनांचल का बात ही नहीं है, सारे लोग जो समाहित थे सारे उसी को करने जा रहे, उसमें खाली आपत्ति कौन चीज का, वनांचल का तो नहीं होना चाहिए। भोजनावकाश के बाद सदन में स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार कल्याण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता, वन पर्यावरण और जलवायु विभाग के अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाइव अजय लाल जी जुड़े हुए हैं। अजय लाल जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कहें हेमंत सरकार की चुनौतियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी खतियान, कभी नई शराब नीति, अब नियोजन नीति को लेकर बजट सत्र में हर रोज हंगामा, और आज का दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया सदन। अजय जी, बिल्कुल दीपक, देखिए नियोजन नीति एक ऐसा मुद्दा है, इस पर जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलेगा सदन की कार्यवाही ऐसे ही बाधित होती रहेगी। और ये पूरा का पूरा मामला, मैंने कई दफे यह कहा है कि जब आप राज्य की सभा 3 करोड़ जनता की बात करते हैं, इस राज्य के हित की बात करते हैं, तो यह मान कर चलना चाहिए कि कई ऐसे पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस होते हैं जिस पर आपको बड़ा दिल करके पक्ष और विपक्ष सबको एक साथ लेना चाहिए। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो सिर्फ मेरा मतलब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नहीं है, मेरा इशारा पिछली सरकार के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की तरफ भी है कि जब उन्होंने कट ऑफ डेट बनाया था 1984 का, उस वक्त भी मुझे लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक करके तमाम लोगों को साथ में लेके और तब जाकर इन चीजों को लेकर एक सर्वमान्य राय बनाने की जरूरत है। हालांकि ये वही सदन है दीपक, जब विधायक अपने हित की बात करते हैं तो तमाम लोगों में ऐसा लगता है जैसे कि आपस में सहोदर भाई हूं, कहीं कोई हल्ला नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं,
मेरा इशारा है विधायकों के वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर। कहा जा रहा है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि विधायकों के खर्चे नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब आप विधानसभा की कार्रवाई के पहले विधायकों की गाड़ियों का शक्ल देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे विधायक नहीं है जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख की कीमत से कम की गाड़ी पर विधानसभा आते हों। फराटेदार तेजी के साथ उनकी गाड़ियां आती हैं विधानसभा के पोर्टिको में। हमने किसी विधायक को नहीं देखा कि वो किसी स्कूटी पर विधानसभा आते हों। हमने किसी विधायक को नहीं देखा कि मारुति 800 10 20 साल पुरानी कार से वो विधानसभा आते हों। चूंकि माननीय विधायक हैं, उनकी मांग जब अपने हित की होती है तो तमाम लोगों की सहमति बन जाती है और ये अपने आप में अनोखा होता है विधानसभा की कार्रवाई में। जब कभी विधायक अपने वेतन मान की मांग करते हैं कि वेतन बढ़ना चाहिए, खर्च पूरा नहीं हो रहा है, कौन सा खर्च ईश्वर जाने। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी माननीय विधायक ने कोई लंगर चलाया हो किसी दिन कि ऐसे गरीब लोग आकर मेरे दरवाजे पर खाना खा लें। पिछले 30 दिनों तक लगातार हमने कोरोना काल में भी एक दो को छोड़ दें तो कहीं नहीं देखा कि विधायकों के आवास पर किसी गरीब के लिए कोई लंगर चल रहा हो। देखिए सहूलियत की राजनीति हो रही है दीपक, और बार बार मैं कहता हूं कि मौजूदा राजनीति में अब विचारधारा की कोई जरूरत नहीं रह गई है। हमारी अपनी रोटी कैसे सिक जाए, कैसे मेरी रोटी पक जाए, इसकी चिंता लोग ज्यादा करते हैं। ये वही राज्य है जहां पर पिछले कई सालों से, देखिए भारत का संविधान 2 साल कुछ महीने में बनकर तैयार हो गया, लेकिन बदकिस्मती है इस राज्य का कि 23 वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि झारखंड में झारखंडी आखिर है कौन। जब तक आप अपनी भावना को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इच्छा शक्ति को नहीं दिखाएंगे, ऐसे समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि अगले साल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके पहले जो बड़े मुद्दे हैं स्थानीय कौन, इस पर मुहर लग जाएगी। हालांकि आज सदन में कुछ जनहित के मुद्दे भी उठाए गए। हमारे पास जो सूची आई है कि प्रश्नकाल हुआ उसमें कहा गया कि प्रदीप यादव ने सवाल उठाया था कि जमीन का जो भू जल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस पर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि माननीय विधायक खुश हो गए होंगे कि सम्मानित मंत्री ने कहा कि इस पर काम हो रहा है। ये आश्वासन है। आश्वासन समिति होती है एक झारखंड विधानसभा में, तमाम राज्यों की विधानसभा में एक आश्वासन समिति होती है। यदि उस आश्वासन समिति में आश्वासन की संख्या को देख लेंगे, आज की तारीख में झारखंड विधानसभा में 6200 से ज्यादा आश्वासन पड़े हुए हैं जो कि चलती सत्र में सवाल आते हैं, सम्मानित मंत्री उसका जवाब देते हैं, उस पर भरोसा किया जाता है, वो फिर वादा वैसे ही रह जाता है। उसके बाद आसू के विधायक सुदेश महतो ने स्नातक पद बेरोजगारों के लिए 5000 और जिन्होंने MA कर रखा है और नौकरी नहीं मिली, अपने आप में अनोखा है। सुदेश महतो सदन में ये सवाल उठा रहे हैं कि स्नातक पास यानी कि जिसने BA पास कर लिया हो, जो BCom हो, जो BBA हो, और यदि नौकरी नहीं मिली तो आप 5000 उन्हें बेरोजगारी भत्ता दें, और जो PG कर लिया हो, जिन्होंने MA कर रखा हो, MSc कर रखा हो, MCom कर रखा हो, उसके लिए 7000 रुपया आप बेरोजगारी भत्ता दें। ये माननीय विधायक सुदेश महतो ने सदन में सवाल उठाया, हमदर्द बनने की कोशिश। सवाल तो यह होना चाहिए था कि BA पास को नौकरी क्यों ये राज्य की सरकार नहीं दे रही है। राज्य की सरकार का जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं, ये चेयर ऑफ CM की हम बात कर रहे हैं। चाहे उस कुर्सी पर अर्जुन मुंडा कभी रहे हो, चाहे शिबू सोरेन जी रहे हो, चाहे हेमंत सोरेन जी रहे हो, चाहे रघुवर दास जी रहे हैं, विडंबना है इस राज्य में। आपको कई उदाहरण ऐसे बताने पड़ेंगे जिसमें आपको लगेगा कि संजीदगी से इस राज्य के लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब रघुवर दास की सरकार थी यहां दीपक, उस वक्त मोमेंटम झारखंड हुई थी, कई लोगों को जमीनें दी गई, ये कहा गया कि फूड प्रोसेसिंग का काम होगा,
जमीनें लोगों ने ले ली, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के जगह पर क्या खुल गया, निजी स्कूल खुल गए, महंगे स्कूल खुल गए, बच्चों का एडमिशन लिया जाने लगा। हमारा इशारा किसकी तरफ है? राज्य की सभा, 3 करोड़ जनता और माननीय विधायक जान रहे होंगे, संजीदगी कहीं नहीं दिखाई पड़ती है दीपक। और शायद यही वजह है कि किसी न किसी मुद्दे पर विधानसभा में लगातार नोक झोंक वगैरह होते रहे हैं। साथ में कई ऐसे सवाल हैं। अब विधायक सीपी सिंह ने कहा कि आयोग को गंभीरता से लेना चाहिए, एक आयोग बना है कि जेपी जिसने राज आंदोलन, राज को अलग करने के जिन लोगों ने आंदोलन किया उसके हित में सरकार सोचे। मतलब यदि ऐसा होगा तो कई माननीय विधायकों के पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हो जाए। कुल मिलाकर दीपक ये मामला है कि सदन में यदि आप विपक्ष में है तो सरकार का विरोध कीजिए, यदि आप सरकार में है तो विपक्ष का जवाब दीजिए, यदि आप सत्ता पक्ष से हटकर विपक्ष की कुर्सी पर आ जाते हैं तो आपका भी रोल वही हो जाता है जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी या फिर आसू के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा और आप एक बहुत मुख्य बिंदु पर चर्चा की है कि जब विधायकों की पेंशन बढ़ानी होती है, सैलरी बढ़ानी होती है, तो एक मत मतलब एकजुट होकर ये लोग विधानसभा में एक साथ हो जाते हैं और तुरंत कहते हैं कि आप इन चीजों को कीजिए। और आपने जो एक और पॉइंट बताया कि यहाँ पे करीब 6200 आश्वासन दिए गए, आप सोचिए कि जो जनता के लिए काम होते हैं उसमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन जब वही काम, अगर जनता की बात करें तो नियोजन नीति को लेकर ही देख लीजिए कि बाबूलाल मरांडी की सरकार से कई प्रदर्शन हुए, उसमें बाबूलाल मरांडी की जो पहली बार सरकार बनी उसमें कई लोग हिंसा में कह सकते हैं जान गंवाए, उसके बाद तमाम सरकारें आई नियोजन नीति को लेकर, आज भी उसको लेकर सदन में हंगामा होता रहता है। अजय जी बिल्कुल, दीपक देखिए, मैंने बार बार कई बार इसी डिबेट में कहा है कि 1932 का खतियान को आधार नहीं बनाया जा सकता। एक बार नहीं, इससे पहले आपने बिल्कुल याद दिलाया, जब बाबूलाल मरांडी राज के मुख्यमंत्री थे, मुझे लगता है कि तब दारोगा भर्ती के लिए वैकेंसी आया था और कहा गया था उस वक्त कि जो आवेदक भर्ती अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो आवेदन भर रहे हैं, 1932 का खतियान की फोटोकॉपी आवेदन में नथी कर दें। कुछ लोग माननीय अदालत चले गए थे और तब माननीय अदालत ने कहा कि आप स्थानीयता की नीति बनाए, उसमें 1932 का आधार हो सकता है, लेकिन इकलौता 1932 ही स्थानीय का आधार हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आप किसी अंधे व्यक्ति से पूछें कि हाथी कैसा होता है, वो सूर पकड़ कर बोल दे कि पाइप की तरह होता, तो एक परिभाषा नहीं हो सकती। और इसी सदन में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि 1932 को हम कैसे लागू कर दें, माननीय अदालत इसको खारिज। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने कि चीजें हो रही है लेकिन फिर भी सरकार जब उनके फायदे की बात होती है तो वो लोग एकमत होते हैं, लेकिन जब सदन चलाने की बारी आती है, विकास की बात आती है, तो ये लोग फिर आपस में एक दूसरे में सरफुटवल काम करते हैं। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया अजय जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।